दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपना भाषण दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक महान देश में एक चौथी पास राजा था। वो बहुत अहंकारी था, उसे पैसे की बहुत हवस थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। उससे अफसर अंग्रेजी में बोलकर किस किस फाइल पर साइन करवा ले जाते थे उसे पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अनपढ़ था, पूछता तो बेइज्जती होती। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपने बचपन में राजा रानी की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस एक राजा है। ये एक महान देश की कहानी है, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव था। गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म पर गांव के ज्योतिष ने कहा था कि माई, तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में, आप भी सुनिए। अब राजा को एक दिन लगा, यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए। पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा, पैसा मेरा, तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया, दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तो बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं, ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे, जहां कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। ऐसे करते करते 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए, राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सीपोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदाने ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, या बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, इतनी महंगाई हो गई, पूरे देश में